स्कॉटलैंड में एक किसान था, नाम था उसका फ्लेमिंग। एक दिन वो अपनी किसानी कर रहा था, पीछे से उसने आवाजें सुनी। एक बच्चा दलदल में फंसा हुआ था, तो देखता है कि वो बच्चा कमर तक दलदल में धंसा हुआ है और मरने के कगार पे था। तो हालत ये हो गई, वो दौड़ के गया और उसने उस बच्चे को बाहर निकाला, उसको स्नान वनान कराया, वो मरते हुए उसको बच्चे को बचा लिया और उस बच्चे को बोला तू तेरा चला जा। बच्चा चला गया। सेकेंड डे वो क्या देखता है कि वो झोपड़े, किसान का झोपड़े के सामने एक बहुत बड़ी कार, रॉयल कैरेज आके खड़ी, और उसमें से एक बहुत बड़े रोडोल्फ चर्चिल, के आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े उस जमाने के अमीर थे, वो आके आए। उन्होंने बोला कि फ्लेमिंग आपने मेरे बच्चे को बचाया, आपने बच्चे को बचाया और मैं कुछ इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बॉस यार ये तो मानवता का काम है, इंसानियत का काम है, इसमें पैसे का लेन देन का कोई नहीं। बोले नहीं कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। वो बोला नहीं नहीं सर, आप आए इतनी बड़ी बड़ी बात है। इतने में देखता है कि झोपड़े के अंदर से एक बच्चा दौड़ते हुए आया, तो उससे रानी का बोला कि ये बच्चा आपका है? बोला हाँ। तो कि एक काम कीजिए, मेरा बच्चा जहाँ पड़ेगा वहाँ आपका बच्चा भी पड़ेगा, तो वी विल गिव देम हायर एजुकेशन, ठीक है। तो उसको, उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, उस बच्चे को सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज, जो लंदन का था बेस्ट, और वो लड़का आगे जाके आप देखिए वो कौन बना मालूम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना। वो लड़का आगे जाके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, और 1928 28 सितंबर को उसने पेंसिलिन का, फर्स्ट एंटीबायोटिक का इन्वेंशन किया। पहला एंटीबायोटिक जो दुनिया आज जिंदा है ना, तो पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन का आविष्कार करने वाला। कहानी में ट्विस्ट अभी आता है। वो जो लड़का था जिस चर्चिल ने बचाया था ना, उनके लड़के को निमोनिया हो गया और उसकी मौत, वो या मरने वाला था कि यही पेंसिलिन से वो बच्चा ठीक हुआ। और वो लड़का बाद में जाके यूके का दो बार का प्राइम मिनिस्टर बना, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो भलाई है ना जो पलट पलट के आती है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैसा आदमी था कि 1945 में इनको मेडिसिन का नोबल दिया गया और इनको बोला कि भाई पेंसिलिन को पेटेंट करना है तो आपको करोड़ों डॉलर मिलेंगे। इसने बोला नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। उसी के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर में कम से कम 20 से 30 लाख सिपाही पेंसिलिन के ठीक होने से हो गया। इसलिए जो भलाई है ना वो पलट पलट के आती है। तो जिंदगी में भलाई करते रहिए और जिंदगी चलाते रहिए।